या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतृभिर्देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शोक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीरापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदां। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में साधन नमन वंदन और आप सभी को ढेरों आशीर्वाद। कैसे हैं सभी लोग? जी हाँ दोस्तों, मैं आपका पुराना दोस्त रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से। बिहार बोर्ड की हिंदी का पद्यखंड हम लोग चला रहे हैं, चौथा पाठ है नाभादास जी के द्वारा संत कबीर, संत क्या कह सकते हैं, संत शिरोमणि कबीर और सूरदास जी के बारे में नाभादास जी के जो विचार है ना वो आज हम लोग को समझने हैं। 56 छंद में इन्होंने लिखा है, सही है। छप्पय जो है ना, ये पाठ का जो नाम है ना, दरअसल पाठ का नाम नहीं है छप्पय, ये छप्पय वह छंद है जिस छंद में इनकी रचना आज हमें पढ़नी है, है ना। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। यह जो छंद है ये बड़ा ही सुंदर छंद है छप्पय। नाभादास, ये जो नाम है ना नाभादास, ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अष्टछाप के कवि जब हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास कहीं आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपका नाम आता है, नाभादास का नाम आता है, कृष्णदास का नाम आता है, चतुर्भुज दास का नाम आता है, सूरदास का भी नाम उसी में आता है। ये सभी लोग उसी समय के कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं कृष्ण भक्ति धारा के। अब ये जो नाभादास जी ने संत शिरोमणि कबीरदास जी के बारे में जो अपने विचार दिए हैं और सूरदास जी के बारे में जो विचार दिए हैं, उन विचारों को हमें आज अपने इस पाठ में पढ़ना है। व्यवस्थित रूप से हम सभी जानते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न ही ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमें एक एक शब्द का बड़ा बारीकी से अध्ययन करना होगा ताकि जब कभी हम परीक्षा में बैठे तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। और दूसरी चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप पूरा सेशन देखते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ अच्छा लगता है तो, ज़बरदस्ती नहीं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवि जी का परिचय कर लें, कौन कवि हैं हमारे, हाँ कवि कौन है, क्या नाम है कवि का, नाभादास। ये जो हमारे कवि हैं नाभादास, ये जो छप्पय है इसके लेखक हैं नाभादास, जो कि अष्टछाप के कवि हैं। अनुमानित रूप से इनका जन्म जो है 1570 से 1600 के मध्य हुआ है, यह अनुमानित है, इसके बारे में कोई भी अस्थायी लेखनीय तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से हम इस पर बहुत ज़्यादा विशद चर्चा नहीं कर सकते। यह अनुमानित रूप से एक मान्यता है कि नाभादास जी का जन्म जो है 1570 से 1600 के आसपास हुआ है। जन्म स्थान के बारे में अगर कोई चर्चा करना चाहे तो जन्म स्थान इनका दक्षिण भारत में कहीं है, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट प्रामाणिक जानकारी नहीं है। दीक्षा गुरु जो हैं इनके, ये हैं स्वामी अग्रदास, जिनका नाम कहीं कहीं अग्र अली भी लिखा हुआ मिलता है साहित्य में। तो इनके दीक्षा गुरु, क्योंकि उस जमाने में सभी लोग गुरु के नाम से ही जाने जाते थे, और कबीरदास जी का भी कोई पूछे पिता का नाम तो जल्दी मुश्किल होता है, कबीरदास जी के गुरु का नाम खोजना आसान है रामानंद जी, तुलसीदास जी के गुरु का नाम खोजना आसान है, उसी प्रकार सूरदास के गुरु का खोजना आसान है। ये सब जानते हैं ना आप लोग, तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास जी, सूरदास जी के गुरु का नाम, ये सब खोज लीजिएगा, ऐसे हवा में मत चलिएगा, खास करके हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा कहाँ हुआ ही, तो गुरु जी की देखरेख में स्वाध्याय से हुई है। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी,
सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। और ज्ञानार्जन कैसे हुआ है, तो संतों की संगत के मध्य रह करके सत्संग, अपने से श्रेष्ठ संतों के साथ रह करके सत्संग करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। शिक्षा, गुरु जी के सानिध्य में रह करके गुरु दीक्षा ली है इन्होंने, और संतों के बीच में रह करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी दो कृतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है भक्तमाल, जिससे ये आज के दोनों छप्पे हमको पढ़ने हैं, और अष्टयाम ये ब्रजभाषा का गद्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी के आप समकालीन रहे हैं और वैष्णव संप्रदाय में आपने भी दीक्षा ली थी, यानी वैष्णव संप्रदाय से आप भी संबंध रखते हैं। वैष्णव संप्रदाय, हमारे यहाँ तीन तरह के संप्रदाय चलते हैं, वैष्णव, शाक्त और शैव। तो वैष्णव संप्रदाय के वे लोग होते हैं जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, शाक्त वे लोग होते हैं जो महादेवी दुर्गा की आराधना करते हैं, और शैव वे लोग होते हैं जो शिव की आराधना करते हैं। तो आप वैष्णव संप्रदाय के थे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के कवि हैं और आप जो है कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। तो ये हमारे कवि का परिचय है। इस पे थोड़ा सा ध्यान इसलिए रख लेना आवश्यक है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट में रहेगा तो हमारा काम आसान रहेगा। अब आइए सीधे चलते हैं अपने छप्पे पे। आपका छप्पे, पहला छप्पे जो है, इन्होंने संत शिरोमणि, मैंने इसलिए शब्द प्रयोग किया क्योंकि कबीर वास्तव में संत शिरोमणि हैं। हिंदू धर्म में जितने भी आडंबर व्याप्त हैं, हिंदू धर्म में जितने भी प्रकार के अंधविश्वास व्याप्त हैं, उस पर तो इन्होंने कुठाराघात किया ही किया, सब लोगों ने किया। लेकिन मुसलमानों के प्रति भी, इस्लाम धर्म में भी अगर अंधविश्वास कहीं इनको दिखाई दिया, यदि वहाँ पे भी कोई ढपोर संख इनको दिखाई दिया, यदि वहाँ पे भी कोई पाखंड दिखाई दिया है, तो इन्होंने जबरदस्त लताड़ा है उसे भी। कबीर के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म में कोई अंतर नहीं है। वो सीधे सीधे कहते हैं, काबा फिर काशी गया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। ये कबीर दाजी का बड़ा प्रमुख दोहा है, आप कभी सुनिएगा, अवसर मिलेगा। कबीर वाणी भी आती है कैसेट में, आपने कभी सुना है? काबा फिर काशी गया, काबा फिर काशी गया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। अब ये क्या मामला है, क्या कहा इन्होंने कि मैं काबा से घूम करके काशी पहुंचा तो देखा दोनों जगह एक ही स्थिति है, जो ईश्वर काबा में है वही ईश्वर काशी में है। मैं राम के पास भी गया, मैं रहीम के पास भी गया, अर्थात मैंने राम के बारे में भी अध्ययन किया और मैंने रहीम के बारे में भी अध्ययन किया, तो पता चला ये दोनों भी एक ही हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे गेहूं से ही अगर थोड़ा मोटा पिस जाए तो उसे कहते हैं आटा, और थोड़ा महीन पिस जाए तो कह देते हैं मैदा। मोट चून मैदा भया, मोटा है तो चून यानी आटा और महीन है तो मैदा, बात एक ही है। जैसे चाहे आटा हो चाहे मैदा हो, दोनों एक ही गेहूं से आए हैं, ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं काबा और काशी एक ही ईश्वर के निवास स्थान हैं और राम और रहीम एक ही ईश्वर है। ये व्यवस्था है कबीर की। कबीर दोनों को अलग अलग नहीं मानते, हाँ पाखंड और आडंबर को अलग अलग मानते हैं, कहते हैं पाखंड और आडंबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब कबीर की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप बता रहे हैं नाभादास जी। क्या बता रहे हैं? भगत विमुख जे धर्म सो सब अधर्म कर गाए, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। क्या हुआ है, कबीरदास जी ने किया क्या? कबीरदास जी ने किया कि कबीरदास जी का सबसे पहला स्टेटमेंट है, भक्ति से अगर आप विमुख हो गए, यानी प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करना, अपने दुख सुख को भगवान को बताना। देखिए एक चीज और नोट करिएगा, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म यानी कबीर का ब्रह्म है चतुर्भुज स्वरूप में नहीं आता। कबीर का जो ब्रह्म है वो उसका शरीर नहीं है, कबीर के ब्रह्म का कोई चित्र नहीं है, कबीर का ब्रह्म निराकार है, कहीं भी आंख बंद करके अनुभव कर सकते हो। जो कबीर के ब्रह्म है, जिसको कबीर मानते हैं, कबीर ने कहा भक्ति से विमुख हो करके जितना भी आप धर्म करोगे सब अधर्म ही माना जाएगा। ये
नाभादास जी का अध्ययन है कबीर के बारे में। नाभादास जी बता रहे हैं कि कबीर ने कहा है कि भक्ति से विमुख होकर के चाहे कितना भी धर्म कर लो, वो धर्म अधर्म के बराबर ही होगा, उस धर्म का कोई कीमत नहीं है। और कबीरदास जी का दूसरा कथन क्या है, चाहे योग कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे व्रत कर लो, चाहे दान कर लो, अगर तुमने भजन नहीं किया तो उसके बिना ये सब तुच्छ है, भजन के आगे ये सब बेकार है। तुच्छ मतलब छोटा। क्या कहा नाभादास ने, नाभादास जी कहते हैं कि जब मैंने कबीर को पढ़ा तो कबीर का जो वांग्मय है, कबीर का जो ग्रंथ है, वो ये बताता है कि भक्ति महत्वपूर्ण है। यदि भक्ति आपके मन में नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो फिर चाहे कोई भी आप धर्म कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, वह सब अधर्म है, वो किसी काम का नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपके मन में भजन नहीं है, यदि आपके मन में प्रभु का गुणगान नहीं बसा है, आप अगर सोते जागते उठते बैठते 24 घंटा भगवान का प्रेम स्मरण नहीं करते, भगवान का नाम कीर्तन नहीं करते, तो फिर यूं समझ लीजिएगा चाहे कितना भी आप योग कर लें, कितना भी आप यज्ञ कर लें, कितने भी आप उपवास व्रत कर लें, कितना भी दान पुण्य कर लें, सब बेकार है, सब किसी काम का नहीं है। अर्थ समझ में आया दोनों लाइन का, बताना भाई। अगर कोई असुविधा हो तो कमेंट में एक बार फिर से हमको दे दीजिए, हम देख लेंगे। इसका पूरा अर्थ समझिएगा कि भक्ति से विमुख होकर के दिखावे के लिए कोई भी धर्म अगर आप करते हैं, कंबल बांटते हैं, पानी पिलवाते हैं, लोगों को कीर्तन करवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, सब अधर्म है। अगर भक्ति आपके अंदर नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो जितना धर्म करोगे वो सब धर्म अधर्म के बराबर माना जाएगा। और अगर आपके मन में भजन नहीं है तो जितने योग हैं, यज्ञ हैं, व्रत हैं, दान हैं, ये सब के सब तुच्छ हो जाएंगे। कबीरदास जी ने योग को, यज्ञ को, व्रत को, दान को भक्ति के भाव में तुच्छ बताया है। कबीर ने यह भी कहा है कि भक्ति महत्वपूर्ण है, पाखंड और दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसका अर्थ मैंने यहां पे लिख दिया है। यह जो पीडीएफ है, यह गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे रविकांत मोहन त्रिपाठी, वहां पर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। आइए आगे क्या कहते हैं। हिंदू तुरक, हिंदू यानी हिंदू और तुरक माने मुसलमान, शब्द पकड़ लीजिएगा। हिंदू का तो मतलब हो गया जो हिंदू हैं, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हिंदू हो गए। और जो तुरक का मतलब हो गया मुसलमान, हिंदू तुरक, इन दोनों को प्रमाण के रूप में क्या दे रहा हूं, रमैनी, सबदी और साखी, ये तीन चीजें मैं दे रहा हूं। अब देखिए कबीरदास जी का जो वांग्मय है, कबीरदास जी के जो ग्रंथ हैं, कबीरदास जी के जो उपदेश हैं, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, कबीरदास जी लिखना नहीं जानते थे, कबीरदास जी की भाषा शतुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी में कबीर लिखते थे, तो वो रास्ता चलते जो उपदेश देते जाते थे ना, उनके जो शिष्य थे उसको संकलित करते रहते थे। और कबीर के जो उपदेश हैं वो तीन तरीके से संकलित किए गए हैं, कैसे कैसे। सबसे पहला जो संकलन है उसको बोलते हैं साखी, साखी तात्पर्य है साक्षी, इसमें इन्होंने दोहे लिखे हैं। दूसरा है इन्होंने जो पद लिखे हैं उसको ये कहते हैं सबद, और तीसरा होता है रमैनी, रमैनी का मतलब होता है कीर्तन, जिसमें आपका मन एकदम रम जाए। तीन व्यवस्थाएं हैं। पहला क्या है, साखी यानी दोहे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा ना कि राम काबा फिर काशी गया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, ये क्या है, ये साखी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमार, इस टाइप के जो दोहे हैं ना, ये सब साखी हैं। और क्या है, पद कौन से होते हैं, दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो, हम घर आए हो, राजा राम भरतार, दुल्हन गावहु मंगल चार, ये क्या है, ये पद है। ये जो पद है ना, ये शब्द है कबीर का। और उसी प्रकार रमैनी का तो मतलब हो गया हरिनाम कीर्तन, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। तो ये तीन व्यवस्थाएं हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हे हिंदुओं और हे मुसलमानों, दोनों ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हारे लिए मैंने रमैनी, सबदी और साखी प्रमाण के रूप में दिया है, और इसमें क्या है, कोई पक्षपात नहीं है। ये नहीं है कि मैंने हिंदुओं के पक्ष में लिख दिया है, मुसलमानों के पक्ष में लिख दिया है ना। हाँ, कल को कोई कह सकता है कि भाई कबीरदास जी ने तो हिंदुओं के फेवर में लिख दिया, मुसलमानों के विरोध में लिख दिया,
फिर कह दिया नहीं नहीं मुसलमानों के फेवर में लिख दिया, हिंदुओं के विरोध में लिख दिया। कहा ऐसा कोई पक्षपात नहीं किया मैंने, पक्षपात नहीं वचन, उसमें कोई ऐसा वचन पक्षपात वाला नहीं है, बल्कि सब ही के हित की भाषी, उसमें सबके हित की बात मैंने कही है। नाभादास जी समीक्षा करते हुए आपको बता रहे हैं कि कबीरदास जी का अगर ग्रंथ पढ़ेंगे, कबीरदास जी को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कबीरदास जी ने प्रमाण के साथ हिंदू और मुसलमानों को रमैनी शब्द और साखी, अर्थात साखी शब्द और रमैनी तीन चीजें दी हैं, और इन तीनों चीजों में कोई पक्षपात नहीं है। हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए कहीं कोई पक्षपात इन्होंने किया है, सबके हित की बात इन्होंने कही है। अर्थ समझ में आ गया, कोई दिक्कत कमेंट में दीजिए, देखते हैं। अंत के दो लाइन और ले लीजिए कबीरदास जी के बारे में, क्या कहा इन्होंने, आरूढ़ दसवा है जगत पे मुख देखी ना ही भनी। ये देखिए ये शब्द थोड़ा सा गड़बड़ तो सही कर लीजिए, ये शब्द है भनी, ठीक, भनी माने कहना, ठीक है। क्या कहा, आरूढ़ दशा वह जगत पै मुख देखी ना ही भनी, कबीर का निराखी नहीं वर्णो श्रम षट दर्शनी। क्या कहा, नाभादास जी बता रहे हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं, आरूढ़ का मतलब होता है चढ़ करके, आरूढ़ का मतलब क्या होता है चढ़ करके, यहां पे है आरूढ़ का मतलब समझ करके, क्या दशा किसकी, संसार की, संसार की दशा को समझ करके, संसार की दशा को देख करके, इस संसार की व्यवस्था को देख करके, कबीरदास जी ने मुख देख करके नहीं कहा है। कबीरदास जी ने जो भी लिखा है, चाहे दोहा लिखा हो चाहे पद लिखा हो, वो किसी का मुंह देख के नहीं लिखा है कि नहीं चलो भाई तुम्हारी तरफ लिख देते हैं तो हाँ तुमको देख के लिख देते हैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे भूषण को, छत्रसाल शौर्य लिखे हैं तो वो राजा को देख के लिखे हैं, वो छत्रसाल की प्रशंसा में लिखे हैं कि जिस हम ऐसा लिखें जिससे राजा प्रसन्न हो जाए और हमको पैसा दे, हमको सोने की असरफियाँ दे। कुछ कवि ऐसे थे जो राजाश्रयी थे, राजाओं की प्रशंसा में गीत लिखते थे और राजा लोग उनको क्या करते थे, पैसा रुपया देते थे। लेकिन कबीर ने ऐसा नहीं किया है। नाभादास जी स्पष्ट बता रहे हैं आपको, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि मुँह देखी इन्होंने नहीं कही है, भनी माने कहना। कबीरदास जी ने किसी का मुँह देख के कुछ नहीं कहा कि नहीं नहीं इनको अच्छा लगेगा यही बात कही जाए, वो नोन को सीधे उन्होंने कहा जो अच्छा है वो अच्छा है, कहा जो खराब है वो खराब है। कहा आरूढ़ दशा वह जगत पे, उन्होंने संसार की स्थिति देख के लिखा है, किसी का मुंह देख के उन्होंने नहीं लिखा है। कबीर ने कान राखी नहीं, कबीरदास ने बिल्कुल नहीं रखा है। क्या कान माने इज्जत, समझिएगा कान माने क्या होता है, कान माने इज्जत या प्रतिष्ठा, कान माने इज्जत या प्रतिष्ठा होती है। किसके किसकी इज्जत नहीं रखी है, वर्णाश्रम षड दर्शनी, शब्द पकड़िएगा, क्या क्या वर्ण, वर्ण कौन से हैं, चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फिर आश्रम, चार आश्रम होते हैं अपने यहां, कौन कौन से, हाँ ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहले होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है, और फिर दर्शन होते हैं छह हमारे पास, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, ज्ञान है, इस प्रकार के छह दर्शन होते हैं। कहा इसका किसी का कोई मतलब नहीं है कबीर के लिए, कबीरदास ने इनसे कोई मतलब नहीं रखा है, इसकी कोई इज्जत नहीं है कबीर की नज़र में। कबीर ने क्या कहा है, किसी को महत्व नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ ये चीज़ को महत्व दिया, क्या भक्ति, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। तो नाभादास जी कबीर का परिचय हमसे और आपसे कराए हैं, नाभादास जी ने ये बताया है कि कबीर कैसे थे, समझ में आ गई बात, हाँ आइए सूरदास को देख लिया जाए। सूरदास, सूरदास के बारे में क्या जानते हैं, जन्म से नेत्रहीन है सूरदास जी, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं सूरदास के पद, अपने ही सी पाठ्यक्रम में था ना। चलिए आइए अब नाभादास क्या बताते हैं सूरदास के बारे में, नाभादास जी बता रहे हैं, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण औस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वेही अर्थ अद्भुत तुकधारी। क्या कहा इन्होंने कि जब सूरदास के पदों को जो आप पढ़ेंगे, जब सूरदास की विशेषता बता रहे हैं नाभादास जी, कहते हैं सूरदास जी कैसे हैं, तो सूरदास जी के जो भी चीजें हैं वो कैसी हैं, उसमें उक्ति है, उक्ति यानी कथन, सूरदास जी का जो कथन है वो कैसा है, उसमें चौज यानी चमत्कार है, उसमें अनुप्रास यानी अलंकार है, और वर्णों की स्थिति अत्यंत सुंदर है।
भारी का मतलब होता है ताकतवर, भारी। तो कोई चीज़ भारी कब होती है? जब वो बड़ी होती है। तो इन्होंने क्या कहा नाभादास ने? नाभादास जी बता रहे हैं कि सूरदास जी की जो उक्ति है, सूरदास जी के जो वचन हैं, वो चमत्कार अलंकार और वर्णों की स्थिति से अत्यंत पूर्ण हैं, भारी हैं। सूरदास के जो पद हैं ना, वो इतने भारी पद हैं। किस किस चीज़ों की वजह से भारी हो गए हैं? क्योंकि उन पदों में चमत्कार भी है, उन पदों में अलंकार भी है, उन पदों में वर्णों का उत्तम संयोजन है। इस वजह से सूर के जो पद है ना, वो अत्यंत भारी हैं, अर्थात बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। यहां पे भारी शब्द का प्रभावशाली से ले लीजिएगा, अत्यंत प्रभावशाली हैं। और जो उनके वचन है ना, वो बड़े ही प्रेत मत क्षमा चाहूंगा बड़े ही प्रेम से लिखे गए हैं। निर्वेही का मतलब निर्वहन करना, यानी अपने वचनों का बड़े प्रेम से निर्वहन करते हैं। और जो उनका अर्थ है ना, वो अत्यंत तुकधारी है, यानी जिस प्रकार से शुरू करते हैं उसी प्रकार से पूर्ण भी करते हैं। सूरदास जी, सूरदास जी के हर पद को जब आप पढ़ेंगे ना, तो जितने भाव और जितने प्रेम के साथ वह पद प्रारंभ होता है, उतने ही भाव उतने ही प्रेम के साथ वह पद पूर्ण भी होता है। तुक का मतलब होता है अंतिम पंक्ति को पहले पंक्ति से मिला देना, जैसी पहली पंक्ति वैसी ही बाद की पंक्ति, इसको कहते हैं तुक। तुक किसे कहते हैं? पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति में सामंजस्य हो, एक रूपता हो। तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि सूरदास जी की जो उक्ति है, सूरदास जी की जो उक्ति यानी कथन है, उसमें चमत्कार है, उसमें अलंकार है, उसमें वर्णों की व्यवस्था बड़ी सुंदर है, अति भारी अत्यंत प्रभावशाली है। और जो उनके जो वचन हैं, वो प्रेम से युक्त हो करके, उनका जो अर्थ है ना, वो अत्यंत तुकबंदी वाला अर्थ है, अर्थात जितने प्रेम से सूरदास जी अपने पद को प्रारंभ करते हैं, उतने ही प्रेम से सूरदास जी उस पद को पूर्ण भी करते हैं। ये सूरदास जी की विशेषता है। समझ में आया? तो अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है पाठ, तो फिर वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, अगर आपको लगता हो कि नहीं, इसके भरोसे आपकी हिंदी अच्छी हो सकती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन करना पड़ता है। आइए, फिर क्या हुआ? पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबहि रसना प्रकाशी। क्या कहा किया उन्होंने? उनके पद में प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो। उनके प्रतिबिंब पदों में, सूरदास जी के जो पद है ना, उसमें प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? क्योंकि उन्होंने दिव्य दृष्टि से, नेत्र तो है नहीं, आंख तो है नहीं, दिव्य दृष्टि से भगवान की लीला को हृदय में आभास कर लिया था, धारण कर लिया था। सूरदास जी के पदों को देख करके, पढ़ करके ऐसा लगता है कि इतना बढ़िया उन्होंने प्रतिबिंब बनाया है हरि का, यानी भगवान का ऐसा वर्णन किया है कि मानो ऐसा लगता है कि दिव्य दृष्टि से श्री हरि यानी विष्णु यानी कृष्ण को उन्होंने अपने हृदय में आभास कर लिया हो, समा लिया हो। और फिर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म, भगवान श्री कृष्ण के कर्म, भगवान श्री कृष्ण के गुण और रूप सभी पर अपनी रसना से उन्होंने प्रकाश डाला है। रसना शब्द समझिएगा, रसना, रसना माने होता है जिह्वा, जीभ, टंग। जीभ किस लिए है? बोलने के लिए। जीभ ना रहेगा तो बोल नहीं पाइएगा, ठीक ना। इसलिए क्या कहा कि पद प्रतिबिंबित उनके पदों में दिखाई देता है, क्या? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कर्म रूप गुण सब कुछ, सब कुछ पर उन्होंने अपनी वाणी से प्रकाश डाला है। ऐसा लगता है कि उन्होंने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि की लीला को आभास कर लिया हो। अर्थ समझ में आया? अब इसको अर्थ पकड़िएगा कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जन्म पे, श्री कृष्ण के कर्म पे, गुण पे, रूप पे, सब पे अपनी वाणी से प्रकाश डाला है। उनके पदों में भगवान श्री का स्वरूप ऐसा प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है, मानो दिव्य दृष्टि से, क्योंकि नेत्र तो है नहीं, देखा तो है नहीं, दिव्य दृष्टि से उन्होंने अपने हृदय में भगवान की लीला को आभास कर लिया हो, शामिल कर लिया हो। ये नाभादास जी बता रहे हैं सूरदास के परिचय में कि सूरदास जी ऐसा पद लिखते हैं। और अंतिम पंक्तियां हैं इसकी, बिमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणन धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं शिरचालन करे। नाभादास जी गारंटी ले रहे हैं कि धरती पे ऐसा कौन व्यक्ति है जो सूरदास की कविता को सुन करके सिर नहीं हिलाएगा। सिर नहीं हिलाएगा मतलब, हाँ ठीक है, जब कोई बात आपको पसंद आती है ना, तो आप उसके साथ साथ झूमने लगते हैं।
जब कोई गीत बढ़िया बज रहा हो, कोई पद बढ़िया बज रहा हो, कोई बढ़िया संगीत हो, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ झूमने लगते हैं। यानी बहुत अच्छा। तो कहा सिर चालन, सिर को हिलाए। कहा सूर की कविता को सुन करके कौन ऐसा कवि है जो अपना मस्तिष्क नहीं हिलाएगा, जो अपना सिर नहीं हिलाएगा, अर्थात हामी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही विमल मानी जाएगी। तासु की, उसकी बुद्धि विमल साफ हो जाएगी जो यह गुण श्रवणन धरे, अपने कानों से स्वीकार कर लेगा। श्रवण माने होता है कान, श्रवण माने कान। अब इसका देखिए अर्थ भी यहां पे लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि जो अपने कानों से सूर के द्वारा गाई गई भगवान की जो विशेषताएं हैं उनको यदि अपने कानों से सुन लेता है तो उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। और इस धरती पर ऐसा कौन कवि है जो सूर की कविता को सुन करके अपना सिर नहीं हिलाएगा, अर्थात हामी नहीं भरेगा, या फिर यूं कहिए कि आनंद नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ये पाठ था आपके सामने छप्पे। नाभादास जी ने कबीर और सूर की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और संभव हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। हाँ, PDF जो है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो अर्थ है, ये आपको रविकांत मंत्रपाठी के एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है वहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही है। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं रविकांत मंत्रपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।